नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। देखिए, इसमें वैकेंसी आई है और इस फॉर्म को अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं, पहले हम जान लेते हैं आखिर कितनी कितनी पोस्टें आई हैं। देखिए, यहाँ पर AE की, यांत्रिकी विद्युत की करके यहाँ पर कई सारी वैकेंसियाँ आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। वहीं पर हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड टू यानी कि TG2 ग्रेड टू की। देखिए, इसमें फिटर की 78 पदों की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 139 पदों की वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंट की 26 पदों की वैकेंसी है। देखिए, इस फॉर्म को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो फॉर्म भरने की डेट है यहाँ पर है 7 तारीख रखी गई है। तो हम इस फॉर्म को आज से स्टार्ट करते हैं फिल करना और आपको बता देते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें CCC भी पास अनिवार्य मांगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर है कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देखिए, सारी लिंक जो आपको यूज़फुल लिंक है ये सब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पर है। देखिए, UVRVNL में टेक्नीशियन की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इस फॉर्म को आप सभी लोग अप्लाई करिएगा। देखिए, यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपको पोस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है उसको आप फिल कर लीजिएगा। बहुत सारे पदों की वैकेंसी यहाँ पर है, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड टू की यहाँ पर हम फिल करते हैं। देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको लिखना है जो आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ हाई स्कूल के, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो इस समय चलता फिरता मोबाइल नंबर हो, जिस पर OTP आसानी से आ सके। और यहाँ पर कन्फर्म नंबर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यानी कि एक बार और इसमें मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पर भी अपना ईमेल आईडी सेम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कैप्चा कोड जो भी इसमें दिख रहा होगा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, या फिर आपके मोबाइल नंबर पर या फिर जीमेल पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन करिएगा। अब आपको लॉगिन कैसे करना है यहाँ पर हम आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह खुल कर आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, 7 तारीख से इस फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 6 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो फीस रखी गई है, OBC और जनरल की 1,000 रुपया फीस है और ST/ST की 700 रुपये फीस है। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप एग्री पर क्लिक कर कर स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑलरेडी लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑलरेडी लॉगिन। यहाँ पर आप यूजर आईडी डालिएगा जो आपको आपके आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा। यूजर आईडी यहाँ पर हम डाल देते हैं। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, जो पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिला होगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेते हैं, आप भी अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी पर आपको SMS के थ्रू आपको पासवर्ड आपको मिल जाएगा, इस पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रोफाइल खुल जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करना है, क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स पूछी जाएगी, जो कुछ इस प्रकार से शो हो रही होगी आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ पर आपका टेक्नीशियन ग्रेड टू इलेक्ट्रीशियन सब लिखा है, पहले आपको इसको फिल करना होगा। सेंटर चॉइस यहाँ पर करना है, जो भी सेंटर आपको चॉइस करना है यहाँ पर आप चॉइस कर लीजिए। यहाँ पर 3 सेंटर यहाँ पर चॉइस करने के लिए दिया गया है। तो पहला हम यहाँ पर लखनऊ कर लेते हैं, दूसरा आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर है, सेंटर चॉइस को यहाँ पर आप कर लीजिएगा। जो सेंटर आप पहले देंगे वही सेंटर आपको मिलने की संभावना है। तो थर्ड में हम प्रयागराज कर लेते हैं। अब थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए पूछ रहा है यू आर डोमेन ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर यस है तो यस कर दीजिए। यस करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर हम OBC के हैं। देखिए, यहाँ पर कैटेगरी नंबर भी पूछेगा, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर इसको हम फिल कर देते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी इसी तरह डाल देते हैं, बाद में आपको अपना सही डालिएगा। आपको बस इस तरह शो कर रहे हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर लिखा होगा। और यहाँ पर आप यू आर एक्समैन सर्विस, अगर आप सर्विस कर रहे हो पहले से UVRVNL में तो यहाँ पर एस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है यू आर फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर एस
यस है तो यस कर दीजिएगा, नो है तो नो कर दीजिएगा, और इसको आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाला नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। यहाँ पर आपको फादर नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस करना पड़ेगा, मैरिज है कि अनमैरिज है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर इंडियन सही है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका जीमेल ऑलरेडी शो होगा। और यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, क्या प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका हो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पर रेड शो हो रहा है यहाँ पर स्टार बनकर, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पिन कोड वगैरह सब आप यहाँ डाल दीजिएगा। देखिए अन्य राज्य वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, स्टेट जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो सारे बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, और यहाँ पर अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप डालकर इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगला जो आपका पेज खुलेगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन का खुलेगा। क्वालिफिकेशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा, कब आप पास आउट हो यहाँ पर डाल दीजिएगा, इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आप डाल दीजिएगा जो आपका कंबाइंड सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपका हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल दे रहे हैं, आप अपना अच्छे से डालिएगा जो आपको जो आपका होगा। यहाँ पर आप टेस्ट देकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि हाई स्कूल में जो अभी लिए हों, साइंस लिए हों, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हों यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। मैथ हो गया, फिर आप टेस्ट दीजिएगा, साइंस हो गया, बस बस मैं वैसे ही लिख देना यहाँ पर हूँ, जो भी आपका हो यहाँ पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप करना क्या है, अगर आप 12th पास है 12th भी यहाँ पर डाल दीजिएगा, और वहाँ पर वैसे ही अपना इंस्टीट्यूट नेम जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें डाल दीजिएगा, और परसेंटेज डाल दीजिएगा। उसके बाद आपकी आईटीआई क्वालिफिकेशन होगी तो यहाँ पर आप डालिएगा, यहाँ पर टेट डाल दीजिएगा, और यहाँ पर कब आप पास आउट हुए उसको डाल दीजिएगा, और परसेंटेज कितना है इसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जितना परसेंटेज हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मास्टर डिग्री जो भी आपका डिग्री हो तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। और यहाँ पर एजुकेशनल यहाँ पर कुछ आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है, यू आर कम्प्लीट हाई स्कूल विथ मैथ एंड साइंस, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। डू यू आईटीआई इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिसिएटेड, यस कर दीजिएगा। डू हैव कम्प्लीट 80 आवर कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट यानी कि CCC, अगर आपके पास CCC है तो यहाँ पर यस करिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो करिएगा। अगर आप जब नो करेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द फॉर्म, अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रहा है, तो आप यहाँ पर एस ही करिएगा, क्या करिएगा, यस ही, अगर आपके पास कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आप एस करिएगा, अगर आप नो करेंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एस पे क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पर एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सामने देखिए कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखेगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पर देख लीजिए आपको करना क्या है, 1,000 रुपया फीस पे करना है, OBC जनरल का 1,000 रुपये फीस है, और ST का 700 रुपये फीस है। देखिए द पेमेंट मोड इन ऑनलाइन स्टेट बैंक कलेक्ट, यू कैन मेक द पेमेंट मैक्सिमम 24 आवर पोस्ट सबमिटिंग द फॉर्म, फॉर्म सबमिट होने के 24 आवर के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद 24 घंटे बाद आपको पेमेंट करना होगा, 24 घंटे बाद आपका पेमेंट होगा, उससे पहले आपका पेमेंट नहीं होगा। तुरंत आप चाहते हैं फॉर्म करके अगर पेमेंट कर दे, नहीं होगा, 24 आवर के बाद ही आपका पेमेंट होगा। यहाँ पर आपको 3 वीक पुराना आपको फोटो लगाना है, कलर जो आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ करना होगा, यानी कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे तभी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको आपको डालना है, मूल निवासी डालना है, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं सब कितने के वीक होना चाहिए। देखिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा यहाँ पर आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, 100 KB के, देखिए सॉरी, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 MB के अंदर होना चाहिए, चाहे आपका PDF में हो, JPG में हो, या फिर किसी भी फॉर्मेट में हो, यहाँ पर 100 MB, सॉरी 1 MB के अंदर होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB लिखा है। और यहाँ पर अगर आप फोटो बात करते हैं, सिग्नेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 100 MB के, 100 KB के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए 100 KB के अंदर होना चाहिए आपका फोटो सिग्नेचर जो आपका है, 100 KB के अंदर होना चाहिए। और जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब आपका 1 MB के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा है 1 MB के अंदर होना चाहिए, तब जाकर आपका अपलोड होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर डालकर सबमिट पे क्लिक कर देना है।
प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो जो आपका डेटा होगा वो आपको शो हो जाएगा आपने क्या क्या भरा है। तो पहले आप प्रीव्यू कर लीजिएगा, आपको उसमें सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप कुछ भी गलती लगता है आप उसको फिर से आप उसको अच्छे से कर सकते हैं और बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको 24 आवर के बाद आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आपका हम पूरा सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।